हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अजवाइन की पत्ती जो कि मैंने बॉईल करने के लिए, मैं इसका पानी पीने वाली हूँ। और मैं नमक डाल दूँ कि नहीं डालूँ, मैं तो सोच रही हूँ, लेकिन अभी डाली नहीं हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे बनाऊंगी अरवी की सब्जी, और उसको भी मैंने कट कर लिया है। सब्जी में मैं क्या क्या डालूंगी वो चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। अदरक लिया है, दो मिर्च लिया है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन अभी हम ले लेते हैं, लहसुन लेके आएंगे। और यहाँ पे आलू बॉईल किया हुआ रखा है, इसको मैंने छील लिया है। तो चलिए पहले इसको फटाक से हम ग्राइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्चा, ये सारी चीज़ें कट कर लिया है। तो चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं फटाक से, सटाक से। तो सच में आज के समय में अगर मिक्सर ग्राइंडर ना हो तो फिर तो बहुत ही टफ हो जाना है। सिल से अगर आप कोई चीज़ पीसना है तो फिर तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं एलर्जी की जो परेशान हूँ। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि मेरा जो पेस्ट था वो कुकर में पहुँच चुका है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जी जी बनाई, फिर उसके बाद हम आ गई हूँ भगवान जी के पास। तो पहले मैंने सोचा कि भगवान जी का पूजा कर लेती हूँ, सब्जी रख दी पकने के लिए, और मैं क्लीनिंग करने लगी। और उसके बाद यहाँ पे मेरी बारी आती है पूजा करने की। तो मैं पूजा यहाँ पे देखिए लगभग मेरा हो चुका है। तो पहले मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँगी, हे भगवान जी, भूल चूक हमारा क्षमा करके हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें अपने शरण में रखिए, क्योंकि हम बहुत ही भूल चूक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हर पल हर क्षण हमसे भूल चूक होता रहता है, कहीं कुछ भूलते हैं, कहीं कुछ भूलते हैं, बहुत सारी गलतियां होती है। सारी गलतियां को क्षमा करके हमारे अपने शरण में मुझे रखिए। नहीं हुआ है क्योंकि मैं सोची कि खाना बना ली हूँ और पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और बाहर धूप देख लीजिए बहुत ही कड़ाके की, बहुत ज़्यादा। ये कि ये सारी पत्ती जो है, जो मेरे भगवान जी का जो मंदिर का डस्टबिन है वो है, इसको मुझे लेके जाना है, छत पे जल चढ़ाऊंगी। और भगवान जी के जितने भी सारे बर्तन हैं यहाँ पे मैंने रखा है। तो चलिए भगवान जी से लेते हैं मतलब इजाज़त और क्षमा याचना कर लेते हैं। हे मुरली वाले, हे माधव, हे लड्डू गोपाल, हे माधव जी, आप हमारा दुख हरो, आप इतने दयालु हैं कि हमारे पास शब्द ही नहीं है। जय माधव जी। तो फाइनली मेरी पूजा हो गई है, और पूजा करने के बाद बड़ा मन को सुकून मिलता है बहुत ही ज़्यादा, और आप सभी को मिलता होगा। और चाहे जो भी काम हम करते हैं, और सुबह में अगर पूजा नहीं हुआ रहता है तो मन घबराता रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, आज मैंने पूजा नहीं किया है। तो यही सारी चीज़ें सभी के मन में रहती हैं, मेरे भी मन में रहता है कि हाँ मैंने पूजा नहीं किया है, मैंने पूजा नहीं किया है। और मैंने पूजा कर लेती हूँ तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए घुमा ले आते हैं छत पे, और धूप भी है कड़ाके की, आप लोगों को धूप लग जाएगी। वैसे तो आप लोगों के यहाँ भी धूप होगी कड़ाके की, बट मेरे के यहाँ की धूप ले लीजिएगा, धूप सेक लीजिएगा, क्योंकि आने वाली है ठंडी। अभी तो गर्मी गई नहीं और ठंडी आने का इंतजार शुरू। कैसे लग रही है मेरी ये वाली साड़ी? नई साड़ी नई है, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और आप लोग बहुत प्यार भी दिए हैं। तो ये है मेरी साड़ी, जो कि मैं फुल लुक इसका मैं दिखा देती हूँ, और वो भी मैं कहाँ दिखाऊँगी, ऐसे नहीं दिखाऊँगी, मैं छत पे ले चलूँगी तब आपको दिखाऊँगी, क्योंकि छत पे जल चढ़ाऊँगी और पूजा करूँगी। अभी आधी पूजा हुई है, आधी बची है, तो भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया और अब चल रही हूँ छत पर। तो चलिए, जिसे मेरे पूरी साड़ी देखनी है तो वे थोड़ा सा कर ले। तो क्या ही मना करूँ अपने दोस्त को,
तो यहाँ पे मैं अपनी साड़ी दिखा रही हूँ और ये साड़ी का मेरा फुल लुक है, जो कि मेरी साड़ी कैसे लग रही है ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ वॉशिंग मशीन से कपड़े जो डेली यूज के रखे थे, और मेरी साड़ी प्लेन है, इसमें बॉर्डर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छा कलर है। तो मैंने ऑफ़ कर दिया है लाइट और अंधेरा हो गया है। बेटे जी आज सुबह कहे मम्मी लाइट क्यों ऑफ़ कर दी हो, अंधेरा जैसे अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान में दिखाता था बिल्कुल वैसे ही एकदम अंधेरा दरअसल लग रहा है। हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अब सारा काम हो गया है तो मैं लाइट बंद कर देती हूँ। और पूजा वगैरह अब की, अब कोई यहाँ पे आएगा नहीं, श्रेया भी अपने कमरे में है, तो मैंने लाइट बंद कर दिया, क्योंकि अगर देखिए फालतू में जलाएंगे क्या मतलब है, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ तो बचत कर लूँ। जो है स्नान करा के जो भगवान जी का पानी है ये और डस्टबिन जो है मैं यहीं पे छोड़ के जा रही थी। तो जय भगवान जी। कपड़ा जो कि चलिए इसको हम एक साथ ले चलते हैं और मोबाइल भी पकड़े रहेंगे, तो इसीलिए मैंने इसमें रख दिया है। तो बेटे जी टावल डाले थे दरवाजे पे, उसको ले तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितना सुहावना मौसम है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा चेयर हटा लेती हूँ यहाँ से, और ग्रीन ग्रीन पौधा देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और ऊपर से अगर हवा बहे लहराता हुआ रहे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैं यहाँ पे भोलेनाथ को और तुलसी माता को जल चढ़ा रही हूँ, और शीतला मैया हैं। छत पे जाने का मन नहीं किया क्योंकि यहीं पे कपड़ा वगैरह डाली, और आपसे बोली थी कि मैं छत पे ले चलूँगी, हाँ लेकिन छत पे आई हूँ, सेकंड वाले फ्लोर पे आई हूँ, तो बस यहीं पे जल चढ़ा दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लगा रखा है शीतला मैया का जो है पौधा, मतलब नीम का पौधा, और तुलसी माता हैं उनको जल चढ़ाई। तो यहाँ पे नल से और मैंने लोटा में जल भर लिया, जल भरने के बाद हम सोच रहे हैं यहीं पे सूर्य देवता को भी जल चढ़ा देती हूँ, और अब छत पे नहीं ही जाती हूँ, क्योंकि जब लेट हो जाते हैं और धूप कड़ाके की हो जाती तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो बस यहीं पे जो सेकंड वाला फ्लोर है वहीं से जल चढ़ा दे रही हूँ सूर्य देवता को, यहीं से दिखते भी हैं यहाँ, मतलब दिखते हैं, लेकिन बस ये है कि शंकर जी वहाँ रखे हैं इसलिए जाते हैं, और पौधों में पानी भी डालना है, तो आज मैं पौधों में पानी भी नहीं डालूंगी और जाऊंगी भी नहीं, और रात में डाल दूंगी, मतलब जब शाम को दिया बत्ती करने जाती हूँ तब डाल दूंगी पौधों में पानी। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नई नई वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो मेरी नई नई वीडियो आप तक लेट में पहुंचेगी, और जब लेट में पहुंचेगी तो फिर आप लेट में देख पाओगे। तो चलिए फटाक से करिए सब्सक्राइब, बाय।